बीते कल रौड़का कलां दे नज़दीक एक निजी स्कूल मूहरे मापियां वल्लों वधाईआं गईआं स्कूल फीसां अते सलाना चार्जिज़ दे खिलाफ धरना दित्ता गया सी, जिस विच लोक इंसाफ पार्टी दे आगू सरूप सिंह कड़ियाणा भी शामिल होए सन। धरने दौरान मापियां वल्लों सलाना चार्जिज़ अते स्कूल फीसां विच कीते गए वाधे नूं नजायज़ अते बहुत ज़्यादा दसदे होए इन्हां नूं घट करन दी मंग कीती गई सी अते स्कूल प्रशासन द्वारा मापियां नाल कीते जांदे वतीरे बारे भी सवाल खड़े कीते सन। अज स्कूल विखे आयोजित कीती गई एक प्रैस वार्ता दौरान स्कूल के प्रिंसीपल मैडम प्रभजोत कौर गिल वालों इन्हां सारे सवालों अते मंगां बारे खुल के गलबात करदिआं कहा गया कि वह मापियां नाल गलबात करन लई हमेशा उपलब्ध हन अते स्कूल दीआं फीसां विच कीता वाधा सरकारी नियमां दे अनुसार ही कीता गया है। पेरेंट्स नू सारे बच्चों नू मेरी सत श्री अकाल प्रवान करना एंड लॉट्स ऑफ गुड विशेस फॉर द न्यू सैशन एंड होप इस सैशन किसी नू कोई प्रॉब्लम ना आवे, जिहड़ियां भी प्रॉब्लम्स हैगियां आपां उन्हां नू पहलां ही सॉल्व कर लईए एंड जिहड़ी भी प्रॉब्लम किसी पेरेंट नू आउंदी है धरना ला के या एजिटेशन करके इज़ नॉट अ सोल्यूशन। पेरेंट्स मेरे कोल आउण वन बाय वन अपनियां प्रॉब्लम्स रखण, अपनी एप्लीकेशन इत्थे दे देण, उस एप्लीकेशन दे अकॉर्डिंगली विद इन वन डे असीं एक्शन लवांगे एंड वी विल वेरीफाई द फैक्ट्स। इनफैक्ट मैं पेरेंट्स नू ए वी किया सीगा पिछली 31 तरीक नू पेरेंट्स इकट्ठे होकर आए सी, 35-40 पेरेंट्स सीगे स्कूल दे विच, ए 5-6 वारी आ चुके ने एंड जद हर वारी इन्हां नू दस्या जांदा है, हर वारी इन्हां दी प्रॉब्लम सॉल्व कीती जांदी है, बिकॉज पहली बार जदों आए सी सैप्टेंबर विच, सैप्टेंबर तो लैके मार्च तक 5-6 वारी आ चुके ने और जदों भी आउंदे ने मैं हमेशा अवेलेबल हुंदी हां और हमेशा इन्हां दी प्रॉब्लम सॉल्व करदी हां। पहली बार जदों ये आए सी इन्हां दी प्रॉब्लम सी भी असीं फीसां नहीं दे सकदे, असीं एनुअल चार्जेस नहीं देने, मैं क्या कोई गल नहीं तुसीं ना दो, पर कई पेरेंट्स ऐसे सी जिन्हां ने स्कूल शुरू होए नूं 5 महीने हो चुके सी, कईआं ने फीसिस नहीं सी पूरियां 5 महीने दियां दित्तियां। मैं उन्हां नूं कहा कि मैनूं स्कूल चलाउण विच मुश्किल आ रही है, मैं थातों हैल्प मंग रही हाँ कि तुसीं जे फीस दोगे तो असीं अपने स्टाफ नूं देवांगे, बिकॉज असीं अपने स्टाफ नूं फुल 100% सैलरीज दे रहे हैं, वैदर वह टीचिंग स्टाफ है या नॉन टीचिंग स्टाफ है, चाहे वह क्लास 4 इंप्लॉयज़ है, चाहे वह बसों के ड्राइवर या कंडक्टर ने, बसिस भी खड़िया ने, थानू पता है साढ़े को 24 बसिस ने, 24 ड्राइवर तो 24 कंडक्टर, उन्होंने पूरी फीस उन्होंने सैलरीज दे रहे, जो सफाई कर्मचारी ने जिन्हें भी सफाई कर्मचारी है तुम जो मर्जी स्कूल आ जाओ वो अपना काम कर रहे, जो स्कूल खुला आ तो कर रहे हैं, बंद है तो कई बार बंद से भी उन्होंने बुलाया जाता है कि स्कूल की सफाई करो, जे जिस दिन छुट्टी होंगी उन्होंने छुट्टी के भी पैसे दिते जाते हैं, जिस तरह जो हिदायत सरकार आदियां ने कि स्कूल बंद हो जाए लॉकडाउन है, असी वी गो टोटली अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, असी अपने मन मर्जी नाल कुछ भी नहीं करते, असी सरकार के पूरी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली वी एक्ट एंड इत्थे स्कूल दे विच कोई भी दो नंबरी काम नहीं है, एवरीथिंग इज़ इन ब्लैक एंड वाइट, सारे डॉक्यूमेंट्स मेनटेन्ड ने, कोई भी जदों भी सरकारी अफसर आके इत्थे जदों मर्जी छापा मार ले, जदों मर्जी देख ले, साढ़े कोल एवरीथिंग इज़ रेडी एंड जिहड़ी पेरेंट्स दी रोश हैगा आ, पेरेंट्स ने जदों पहली बार रोश प्रकट किया उन्हां दी ए सी कि असीं एनुअल चार्जिज नहीं देने, असी क्या तुसी कोई गल नहीं तुसी जिन्ना जो दे सकते हैं, किसी को 100 रुपया आया, 1000 रुपया आया, 500 जिन्ना दे सकते उन्ना दो, असी प्रेशराइज नहीं करते, बट तुसी जिन्नी थाड़ी हैसियत हैगी या जिन्ना तुसी ईजीली दे सकते हैं उन्ना दो, बिकॉज सानू स्कूल चलाना मुश्किल हो रहा, काफ़ी पेरेंट्स ने दे दिता सी, उस तो बाद फिर महीने दो महीने बाद फिर आ गए असी एनुअल चार्जिज देने, दैन आई सैड कि मैम तुसी एनुअल चार्जिज क्यों मांग रहे, मैं क्या मैं एनुअल चार्जिज नहीं मांग रही, असी सारा कुछ कोर्ट के अकॉर्डिंगली करांगे, बिकॉज द कोर्ट स्कूल मैनेजमेंट्स ऑल्सो हैव टेकन दिस टू द हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट का फैसला होएगा असी उही दसांगे, जे हाई कोर्ट कहेगी भी 10% लै लो असी 10% लै लेंगे, हाई कोर्ट कहेगी इन्ने परसेंट लै लो असी इन्ने परसेंट लै लेंगे, उहदे विच फिर हाई कोर्ट का फैसला आया कि 70% लै लो, असी क्या 70% के लिए पेरेंट्स नू नोटिफाई करता, बट पेरेंट्स फिर एजिटेट हो गए, असी तो देने ही नहीं है, साढ़े कोल तो है ही नहीं पैसे, साढ़े कोल करोना आ साड़ियां मतलब वट एवर प्रॉब्लम्स होते हैं, आई सैड जिहड़ियां प्रॉब्लम्स है सिंपथैटिकली असी उन्हां नू देखांगे, जबरदस्ती किसी की नहीं है, बट उन्हां दा कंडीशन ए सी कि सारयां दे एनुअल चार्जिज माफ़ किए जाए, सारयां दे एनुअल चार्जिज माफ़ नहीं हो सकते, मेरी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, बिकॉज दैन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल, स्कूल फंक्शन नहीं कर सकेगा, असी तनखाह नहीं दे सकेंगे, बिकॉज साड़ी फीस स्ट्रक्चर इन्नी नॉमिनल हैगी कि इस फीस स्ट्रक्चर विच ही साढ़े खर्चे पूरे होंगे ने, चाहे वह असी अलग अलग डिविजन्स कीतियां हुई ने, कंप्यूटर फीस या एनुअल चार्जिज या ट्यूशन फीस या जिन्नी भी है वो अलग अलग ईजी करन लई पेरेंट्स ने कीता सी, टोटल फीस जिन्नी हैगी उहदे नाल साडा पूरी बैलेंस शीट जिहड़ी आ इट इज़ बैलेंसड, उहदे विचों जे कोई चीज़ मिसिंग हुंदी है वी आर नॉट एबल टू फंक्शन। हुण असी इस साल तो की करते जिहड़ी टोटल फीस सी पिछले साल की, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
12 इंस्टॉलमेंट्स विच बनाता बिकॉज कुछ पेरेंट्स कह रहे थे कि कट्ठी फीस असी नहीं दे सकते तो सानू जो थोड़ी थोड़ी असी हर महीने दे दिए ईजी हो जाता। मैं क्या चलो ठीक है असी हुण किसी पेरेंट नू कोई फोन नहीं करना बिकॉज जो फोन करते हैं फिर प्रॉब्लम हो जाती है नोबडी बिकॉज वो काम टीचर्स का नहीं है फोन करना कि टीचर्स का काम है पढ़ाना फीस देना है काम पेरेंट्स का दैट इज़ देयर रिस्पोंसिबिलिटी। जो कोई भी सर्विस लैनी है सर्विस के बदले नथिंग कम्स फ्री इन दिस वर्ल्ड कोई भी सर्विस जिस असी लैनी वो बदले सानू अमाउंट देनी पैंती है वो उदों ही डिसाइड हो जाता जो असी सर्विस लैण लई स्कूल के अंदर एंटर करते हैं कि इस स्कूल दी असी सर्विसिज लैनी है इस स्कूल का आ फीस स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंगली वी विल गिव। असी कोई भी नजायज़ फीस स्ट्रक्चर नहीं वधाया फीस स्ट्रक्चर आ सारयां दे सामने है 2019 तो लैके 2020 पिछले दो सालों कोई फीस स्ट्रक्चर नहीं वधाया। इस साल जी फीस वधाई है 80 रुपए तो लैके 262 रुपए पर मंथ ही वधी है उस तो वध नहीं वधी क्योंकि टोटल फीस तुसी पिछले साल की हूँ जो पिछले साल बच्चा एल के जी सी तो एल के जी ईयरली फीस जिनी भी सी 18,570 सी पिछले साल लेकिन पिछले साल यू के जी की फीस 19,000 सी हूँ जो पिछले साल का एल के जी का बच्चा 18,000 दे रहा है वह इस साल यू के जी हो गया वो 19,000 नहीं होएगी हूँ इस साल की यू के जी की फीस जिनी होएगी 19 होएगी बिकॉज पिछले साल एल के जी की फीस 18 सी इस साल एल के जी की फीस हैगी है 20,000 सो द डिफरेंस इज 18,570 सी हूँ है 20,400 पूरे साल की फीस इंक्लूडिंग एवरीथिंग ये कोई होर दो दूसरा फीस नहीं है टोटल फीस है दिस इज टोटल ये डिफरेंस किन्ना दोनों सालों का 1830 रुपए पूरे साल का और एक महीने का कितना हो जाता है 152 रुपीस 50 पैसे 162 रुपए 152 रुपए 50 पैसे महीने का इन्ना ही डिफरेंस है और नर्सरी तो लैके प्री नर्सरी तो लैके 10वीं तक 80 रुपए तो लैके 262 रुपए तक का ही डिफरेंस हैगा पर मंथ इस तो वध डिफरेंस है नहीं गा टोटल फीस में तुसी देख लो उनू दी वध। हाँ जिहड़े पेरेंट हुण जिद्दां फार्मर्स ने कई फार्मर्स कहिंदे ने असीं जी अप्रैल दे विच फीस दिने क्योंकि साड़ी उदों फसल पक के मंडी जानी हुंदी सानू पैसे आने हुंदे तुसी सब तो सारी फीस लै लो वो सारी फीस दे दें इदां दा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जिद्दां पेरेंट्स नूं सहूलत है उसे तरीके नाल असीं तां रेडी हां बट हुण पेरेंट्स ने एक गल सिखाती है कि कोई भी चीज़ की जिहड़ी थोड़ी जी सख्ती हुंदी ना इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज उस तो बगैर वी डोंट फंक्शन सख्ती इन्नी की है कि 10 तरीक तक पेरेंट्स फीस दे दें सॉफ्टवेयर चक्केगा उस तो बाद सॉफ्टवेयर चकना बंद कर देगा फिर पर डे के हिसाब न 50 रुपये फाइन लगेगा असी फाइन कलैक्शन के हक च नहीं है वी डोंट वॉन्ट 10 साल हो गए पिछले असी एक भी फाइन नहीं लिया कदे चाहे बच्चा 6 महीने लेट है साल लेट है असी एक भी फाइन नहीं लिया नैवर एवर पहली बार स्कूल की हिस्टरी विच असी ये चीज़ लागू कर रहे हैं बिकॉज ये सानू पेरेंट्स ने ही सिखाई है कि जे थोड़ी जी जिम्मेवारी अगले ते पाओगे तो अगला जिम्मेवार बनेगा नहीं तो जो भी प्रॉब्लम आ रही है धरने एंड एजुटेशन एंड उन्हें पोलिटिसाइज किया जाए राजनीति विच इनवॉल्व किया जाएगा और ये असी है सिंपल जे पढ़ाई लिखाई करवाने वाले लोग डिफरेंस इतने आ रहा है कि टोटल फीस जी है मैं पीटीएम भी ली सी पीटीएम के मैं हर एक दसिया कि थोड़ी क्ला फर्स्ट स्टैंडर्ड तो लैके 8वीं तक मैं एक एक क्लास की अलग अलग पीटीएम ली सी ओदे विच मैं उन्होंने समझा दिता सी कि आड़ी फीस मंथली बनती है ये थोड़ी टोटल फीस दी 12 इंस्टॉलमेंट्स असी कर दित्तियां ने वो चीज़ उन्होंने क्यों नहीं समझ आ रही डजेंट मैटर असी एजुकेशनिस्ट हैं नहीं एक बार असी टीचर्स भी यही कहने जो बच्चों को नहीं समझ आता 2 बार समझा दो 3 बारी समझा दो 4 बारी समझा दो 5 बारी समझा दो समझाई जाओ जब तक उन्होंने समझ नहीं आती समझने लिए आन मैं फिर समझा दूंगी नो प्रॉब्लम बट उहदा तरीका हुंदा आपने एक जंग जिद्दां हैगी है उस तरीके नाल नहीं आपने अंदर वड़ना कि असी जी असी जंग जितनी है दिस इज़ नो जंग इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसिज यू हैव टू पे फॉर द सर्विसिज एज सिंपल एज दैट इच कोई लड़ाई नहीं कोई झगड़ा नहीं है उन्हों का भी बच्चे नहीं पढ़ाने असी भी बच्चे पढ़ाने साडा कॉमन ही एजेंडा है बच्चों की बच्चों अगे वधाउणा और कोविड में उन्हों की पढ़ाई जी है उस कोई रुकावट ना आए उन्हों का साल बर्बाद ना होवे साडा एजेंडा इन्ना की है।
हाँ जी एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। ओदे विच मेरे को एक वीडियो आई हुई है वो मैं थानू बाद दस दी वीडियो की आई हुई है। पहली गल तो असी हर साल एवरी पिछले 10 साल तो जदों भी असी एनुअल PTM करते हैं मीनस एनुअल रिजल्ट स्कूल का डिकलेयर करते हैं उस तो बाद 3-4 दिन स्कूल बंद रहता दैट इज़ एन ऑफ फॉर द स्टाफ। बच्चों का तो उदों ही ऑफ हो जाता जो उन्होंने पेपर खत्म उन्होंने तो छुट्टियां हो गया पर स्टाफ फिर भी काम से लग्या हुंदा स्टाफ फिर भी स्कूल आई जाता है रिजल्ट बनाने होंगे रिपोर्ट कार्ड्स करनी होंगे कितना काम होंगे स्टाफ का काम उदों खत्म होंगे जो PTM होंगी है। साड़ी 6 तरीक नूं लास्ट PTM सी उस तो बाद आह इस बार 2nd Saturday Sunday की तो वैसे ही छुट्टी आनी सी ते मैं स्टाफ नूं 7, 8, 9 की छुट्टी देती भी तुसी भी थोड़ा जिहा रिलैक्स करो घर जाओ सोमवार नूं स्कूल आओ। सरकार ने वैसे 10 तरीक तक तो छुट्टियां कीतियां ही होईयां ने बच्चों दी हो सकता 8 तरीक नूं कैप्टन साहब नाल जिहड़ी हुण 30 तरीक तक हो गई कल उन्होंने कहा है कि 30 तरीक तक बट उदों सानूं नहीं सी पता कि 30 तरीक तक होना उदों असीं वेट कर रहे सी कि 8 तरीक नूं जो भी फैसला होएगा असीं उहदे अकॉर्डिंगली चलांगे। सो मैं तो 6वीं बंद कर दिता टीचर्स ही सिर्फ आ रहे सी स्कूल च बच्चे नहीं सी आ रहे सो टीचर्स नूं छुट्टी दे दित्ती ते 7, 8 हुण जे तो 7 तरीक नूं सानूं पेरेंट्स ने कहा हुंदा सी तुहानूं मिलन आना जी असीं स्कूल आना आ फिर तो मैं रुक जाती मैनू की प्रॉब्लम अज भी तो मैं आई हाँ अज 8 तरीक है हूँ कल भी मैं पेरेंट्स को बुला लिया कि 9 तरीक मैं आके मिल जाओ मैं फिर समझा दूंगी जी चीज़ थोड़ा समझा रही है नो प्रॉब्लम बट मैं जी वीडियो मिली है वो वीडियो तुम भी सारे देख सकते हो यही कह रहे हैं जो मैं उन्होंने अंदर किया कि मैं अपने अपने नाम लिखा दो जिन्हें जिन्होंने कंसैशन चाहिए आ जे एनुअल फीस नहीं दे सकते मैं कंसिडर करूँगी वो उठ के चले गए वो कहें असी जी सलाह करा सारे जने फिर असी थानू दसांगे सलाह करके उन्होंने मैं ये नहीं किया कि तरीक न सलाह करेंगे कदों मैं दसेंगे दे डिड नॉट टैल वो स्कूल तो बाहर चले गए हूँ स्कूल तो बाहर जाके जो बाहर जाके कोई मीटिंग करते हैं मैं कि पता की कर रहे की नहीं मैं तो उ पता लगेगा ना जो मैं वीडियो से आ गया वो वीडियो फिर भेज दी वीडियो कि असी 7 तरीक न रुड़ के मिलना है तुसी भी देख लो रुड़का मैनशनड है वो STS वर्ल्ड स्कूल कितने भी मैनशनड नहीं है हूँ रुड़का मिलना है या हाँ जी ना नो नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल 15 तरीक तो लैके 22 तरीक तक आई हैव ऑफिशियल वर्क आई एम नॉट अवेलेबल मैं 15 तरीक तक अवेलेबल हाँ मैं अज भी अवेलेबल हाँ कल भी अवेलेबल हाँ जे किसी ने सैटरडे आना है 2nd Saturday भी मैं स्कूल खोल के अवेलेबल हाँ। पहली गल तो इन्ना लंबा चौड़ा काम है नहीं गा जे पेरेंट्स कल आएंगे जे तुसी आह 1 मिनट च सारिया ने गल समझ ली हैगी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 जने इतने बैठे ने प्रेस रिपोर्टर जे थानू ये गल 1 मिनट समझ आ गई कि फीस स्ट्रक्चर जो है मैं सिर्फ 80 रुपए तो लैके 262 रुपए तक किया तो थानू घंटे दे विच गल समझ आ गई हो सकता 15 मिनट ही पहले समझ आ गई सी तो उन्होंने भी यह कोई बहुत ही लंबी चौड़ी गल नहीं घंटे का काम है घंटे समझ आ जाएगी राइट कल नू आ जाण मैनू मिलन बट अगेन ग्रुपबाजी च नहीं जेडे 5 उन्होंने लीडर है जेडे उन्होंने नुमाइंदे है आन मैं उन्होंने समझा दूंगी वो बाकिया सारे समझा दें 15 मैं सवेरे अवेलेबल हैगी हाँ बट टिल 10 o'clock आफ्टर दैट आई एम नॉट अवेलेबल क्यों असी कोई चोर हाँ असी कोई डाकू हाँ या असी उन्होंने सेफ्टी नहीं महसूस होंगी प्लीज़ वी आर वेरी पीस लविंग पीपल एवरीथिंग विल बी पीसफुल असी उन्होंने कुछ नहीं करना थोड़े सामने मैं दंके की चोर पर कहनी जो एक नु भी खरोच आ गई नथिंग विल हैपन वी आर वेरी वेरी पीस लविंग पीपल या वो क्राइटीरिया साडा अपना असी अपनी वेरीफाई करांगे असी उन्हां तों कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगांगे असी उन्हां दे पर्सनल वेरीफिकेशन भी कर सकते हैं वो साडे जिहड़े अलग अलग तरीके हैगे बिकॉज वी वॉन्ट टू सी द जैनुअन केसिज जैनुअन केसिज नूं ए मिलन ए नहीं है कि जे कंसैशन मिल रहा है तो सारे जने कहन जी हुण कंसैशन मिले असी दी एप्लीकेशन लिख दिए ये कोई सरकारी स्कूल नहीं है वी डोंट गैट एनी एड फ्रॉम द गवर्नमेंट असी सैल्फ सस्टेनिंग है जिन्हें सानू पैसे आते उन्हां विच असी खर्च करके उहदे विच असी बहुत सारे कंसैशन दिंदे हां असी कई बच्चों नू 50% मिलता है कई 25 मिलता है कई टीचर कंसैशन मिलता है कई स्कॉलरशिप्स मिलती ने कई फुल फी कंसैशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनमी इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक स्केल हो या दे आर नॉट एबल टू उन्हों की इकोनॉमिक कंडीशन करके बहुत सारे कंसैशन असी दिने कई 100 बच्चों असी कंसैशन दिने ऐसी कोई गल नहीं है बट द थिंग इज जेन्युइन केसिस ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਲੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ
मैं कर सकती हाँ, मैं अनपढ़ता नहीं तो खत्म कर लिया स्कूल बढ़ाया आ, इदा की गल मैं कर सकती हाँ। दिस इज टोटली रोंग, आई कैन नॉट से दैट। मैं तो स्कूल इलाके अनपढ़ता ही नहीं तो खत्म कर ली, जो मैं बार बार कही जाऊँगी तुम अनपढ़ फिर मेरा रोल की रह गया, फिर तो मैं फेल हो गई ना। पेरेंट्स तो बहुत सारे एलीगेशन ला रहे हैं बट वो किन्ने जेन्यून ने किन्ने कहने, मैं नहीं कह सकती कि तुम अनपढ़ हो, गवार हो, थानू अकल, हाउ कैन एन एजुकेटेड परसन से दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। यस, ड्रेस पाने का मतलब होंगे कि बच्चे पता की करते हैं, पिछले साल असी देखा बैड पर लम्बे पे ने ए करके कर रहे हैं कोई, दैट इज़ नॉट एजुकेशन। एक एजुकेशन का भी एक देर इज़ अ डेकोरम, असी घर भी अपने कमर एज टीचर्स, ऑलदो जे मैं मीटिंग भी लैनी देर इज़ अ प्रॉपर टेबल जेद उपर लैपटॉप रख्या जाता, देर इज़ अ प्रॉपर चेयर, सारे ने इस तरह ही किया हो राइट। तो जे बच्चों ने भी पढ़ाई घर भी लैनी, थोड़ा जहा माहौल क्रिएट करना बहुत जरूरी है, थोड़ा जहा फील स्कूल की फील च आना बहुत जरूरी है। बच्चे एटलीस्ट जे तैयार होणगे नहा धो के थोड़े जे एक्टिव हो जाएंगे, वो एटलीस्ट अद्धा पौना घंटा तो पहला उठणगे, जे सपोजिंग उन्होंने 10 बजे क्लास है वह सुते पे पे अखा मलदे मलदे 10 बजे उठ के लैपटॉप फड़ लेंगे, अद्धे सुते पे होंगे, अद्धे जागते होंगे, नाइट सूट पाया होंगे, बैड पर लंबे पे होंगे, पिछे सराहना होंगे, दैट इज़ नॉट एजुकेशन, दैट इज़ नॉट स्टैंडर्ड। द चाइल्ड हैज़ टू गैट अप इन द मॉर्निंग, ब्रश हिज टीथ, टेक बाथ, वेयर क्लीन क्लोथ एंड प्रेफरेबली स्कूल ड्रेस एंड सिट, एंड बच्चे अपना लैपटॉप टेबल एंड अपनी कुर्सी तैयार रखनी चाहिए बिल्कुल स्कूल मोड से आके, जे एंड उस टाइम तो पहला बच्चा रेडी होना चाहिए, द वीडियो शुड बी ऑन। बच्चे वीडियोज़ ऑन ही नहीं करते, वीडियो ऑन नहीं करते कि किसी को पता ही ना लगे भी असी स्कूल ड्रेस पाई है कि नहीं है पाई, जे स्कूल ड्रेस पा के वीडियो थोड़ी देर ऑन करते बाद ऑफ कर देंगे ने इधर उधर दौड़न भजन लग जाते, वह किने देखना, वो असी देखना, कि रिस्पोंसिबिलिटी है। घर में तो एक टीचर नहीं जा सकता ना, कि रिस्पोंसिबिलिटी है, वह बंदा भी तो रिस्पोंसिबल एक्ट करे। हुण पेरेंट्स की रिस्पोंसिबिलिटी होर भी ज़्यादा हो जाती है कि अगे तो थोड़ी पेरेंट्स की रिस्पोंसिबिलिटी असी 6-7 घंटे रखी हुई सी, तो हूँ फिर ये उपर फिर पेरेंट्स कह देंगे जी जे साड़ी रिस्पोंसिबिलिटी नहीं फिर असी फीस कहदी देनी है। पर जिहड़ी एक वीडियो बनाउणी हुंदी है ना, जे सपोजिंग 3 मिनट की वीडियो बनाउणी हुंदी है, उहनू किन्नी वार एडिट करना पैंदा, किन्नी वार रिसर्च करना पैंदा, किन्ना मैटर लैणा पैंदा, उहदे च 3 दिन लग जांदे ने। टीचरां दा काम वधिया आ घटिया नहीं, तो मैं पेरेंट्स तो कोई ज़्यादा पैसे नहीं मांग रही कि हूँ टीचर का काम वध गया आ, तो जी स्कूल पढ़ाने का बहुत सौखा है, किताबा हुंदियां ने किताबा जो पढ़ा दो, वीडियोज़ बनाने कोई सौखे थोड़ी है, PPTs बनाने कोई सौखे थोड़ी है, कितना टाइम वेस्ट होंगे, जो तुम बनाए हुए हैं तो थोड़ा पता होएगा, इट इज़ नॉट ईजी। जो टीचर का काम डबल हो गया, पेरेंट्स को डबल फीस देनी चाहिए है, वेर एज असी तो जायज़ ही मांग रहे हैं, वो जायज़ भी नहीं दे रहे। दिस इज आई डोंट नो व्हाट टू से। सारे का वध गया, टीचर का भी डबल हो गया है, गांव वास्ते सानू बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, वो असी हौली हौली लागू कर रहे हैं, और जिहड़ा कम्युनिकेशन गैप का सवाल हैगा आ, वो इस बार मैं 1-8 पहली बार पेरेंट्स नाल आप मीटिंग्स कीतियां ने, एक टाइम ते 70 पेरेंट्स, एक टाइम ते 80 पेरेंट्स ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म विच आई हैड नॉट डन, दिस विल बी डन मोर ऑफन इन द कमिंग टाइम्स, हो सकता 1 महीने बाद मिलिए, हो सकता 2 महीने बाद मिलिए, उहदे विच देयर इज़ अ चैट ऑप्शन, जिहड़े पेरेंट कोई प्रॉब्लम हैगी है वह चैट ऑप्शन च पा के क्वेश्चन नाल दी नाल पूछ सकता, बिकॉज जो भी मैं ओरिएंटेशन लैनी है या कोई पेरेंट्स को मैसेज दिनी है उस तो बाद आई ऑलवेज वेट कि हूँ थानू जड़िया क्वेरीज क्यू एंड ए सैशन जोड़ा है हूँ तुम एट द एंड ऑफ द सैशन तुम अपने क्वेश्चन पूछो तो मैं उन्होंने जवाब दूँगी। वो तो संतुष्ट है, शुक्र है रब का, साडा मकसद यही है कि पढ़ाई तो साढ़े संतुष्ट रहन, बाकी जड़िया गल्ला ने वो असी मिल के बैठ के वी विल फाउंड फाइंड अ सोल्यूशन। मिसअंडरस्टैंडिंग
कल नू आन कल का टाइम नहीं है, परसों नू आन, मैनू दस दिन कि किस दिन आना, जिदा वीडियो हैगी वीडियो भेज दें कि मैडम कल साढ़े को टाइम नहीं, असं परसों आ जाएंगे। टुमोरो इज फ्राइडे, फ्राइडे नहीं आ सकते, सैटरडे आ जाए, सैटरडे नहीं आ सकते, मंडे आ जाए, मंडे नू 12 तरीक है, मंडे नहीं आ सकते, ट्यूजडे आ जाए 13 तरीक है, ट्यूजडे नहीं आ सकते, वैडनसडे आ जाए 14 तरीक है। मैं 5 दिन का ऑप्शन देता है, जिहड़ा मर्जी दिन चूज करन, आई एम रेडी। मैं बैठी इस करके हाँ क्लैरिफाई करने लई, पर जे बंदा अपने माइंड विच मेंटल ब्लॉक लैके आऊगा कि असी समझना ही नहीं है, असी जो कह रहे हैं असी ओही ओते ही टस तो मस नहीं होना, फिर यू नो नथिंग कैन गो इनसाइड। हुण जिद्दां एक कप इत्थे आपां रख दईए चाह दा भरिया होया, उहदे उपर होर कप ते चाह पाई जाइए डुल्लूगी, उहदे विच जगह ही है नहीं कि जदों, दैट मीनस द चाह डजंट वॉन्ट टू हैव मोर टी, तो ओ इट विल ओवर स्पिल, वेस्टेज। इदा ही वेस्ट ऑफ एनर्जी हो रही है जो ऑलरेडी उन्होंने माइंड भरया होया, उस तो बाद होर चीज़ अंदर एंटर ही नहीं होने दे रहे, इट इज़ जस्ट गैटिंग वेस्टड, माई एफर्ट्स आर जस्ट गैटिंग वेस्टड। हाँ, जब क्लीयर माइंड नाल आउणगे कि साढ़े विच उन्हां नूं विश्वास है कि असी उन्हां नाल धोखा नहीं कर रहे, जो भी साडा फीस स्ट्रक्चर है साढ़े खर्चों के अकॉर्डिंगली है, और समझण दे लई ओपन माइंड दे नाल आउणगे, डेफिनेटली इड्डी कोई मुश्किल गल नहीं जिहड़ी समझ ना आवे। मैं बैठी हैगी समझाउण लई, उन्हां दे नुमाइंदे जिहड़े हैगे 5 रिप्रेजेंटेटिव्स, वो आके मेरे तो जदों मर्जी समझण, उन्हां दे टाइम दे अकॉर्डिंगली। मैं कहनी मैं 11 तों 2 बजे तक अवेलेबल हाँ, वह नहीं अवेलेबल, वो कहणगे जी साडे कोल तां शाम नूं 4 बजे टाइम है, कोई गल नहीं, मैं शाम नूं 4 बजे इत्थे आ जाऊँ। जिहड़ियां यूनिफॉर्म की गल है या वह बुकशॉप की गल है, वह पेरेंट्स की सहूलत लई वह एक दसी हुई है, अदरवाइज पेरेंट्स बुक लिस्ट जदों मर्जी लैन, जिन्हां ने उत्थों नहीं लैनी हैगी बाहरों लै लैन, जिथों मर्जी लै लैन। कुछ पेरेंट्स इस तरह कर भी दे रहे हैं, क्योंकि जदों पेरेंट्स उत्थे नहीं लैना चाहते जिहड़ी बुकशॉप है, फिर वो माई हीरा गेट जाते या गुराया जाते हैं, उन्होंने अद्धिया बुक्स मिल जाती, अद्धिया नहीं मिलती, बुकशॉप वाला कहता है जी तुम 3 दिन बाद आयो असी दे देवे, और 3 दिन बाद जाते एक किताब मिल जाती, 2 फिर रह जाए, फिर 6 दिन बाद, फिर अल्टीमेटली वो पेरेंट मेरे को आया कि मैडम आ सू किताबा नहीं मिल रही, तुम अरेंज करवा दो। हूँ मैं कितों अरेंज करवा दूँगी, जदों एक बार बुकशॉप, फिर मैं क्या कोशिश मैं पूरी करूँगी, मैं बुकसैलर कह दूँगी लिया दे, पर बुक्स भी खत्म हो जाए, एक स्पैसीफिक टाइम होंगे। पिछले साल कई पेरेंट्स ने एंड तक नहीं लिया, फिर बाद आके कहते जी असी हूँ बुक्स लैनी है, मैं क्या हूँ तो मतलब बच्चा बिना किताबों तो सारा साल मतलब किस तरह पढ़िया, क्योंकि किताबा बहुत जरूरी है, कई पेरेंट्स किताबा नहीं लेंदे। हूँ जी गल हैगी लिस्ट लै लैन किसी भी किताब तो बुक सैल तो लै लैन, माई रैंकर तो अवेलेबल ने, दे कैन बाय इट, ऐसी कोई गल नहीं। हाँ जी, वह पॉइंट यह है कि मैं थानू हूँ पहला भी दस चुकी कि एक जी 40 मिनट की क्लास एक टीचर लेंदी है, उन्होंने वो 40 मिनट नहीं, मे बी उन्होंने 40 दिन लग जाते होंगे प्रिपेयर करने, वो इट इज़ लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग, बट वो टीचर एक 40 मिनट की क्लास नहीं लेंदी, टीचर ने अगर 5 क्लासेज लैनी, जो एक टीचर फर्स्ट में पढ़ा रही है वो सैकेंड भी पढ़ा सकती है, थर्ड में भी पढ़ा, उन्हें 3-4 क्लासेज लैनी, टीचर के लिए 3-4 घंटे ऑलमोस्ट मतलब 5-6 घंटे बन जाते हैं, विच इज़ वेरी वेरी टैक्सिंग फॉर द टीचर, कोई सौखी गल नहीं है, बहुत मुश्किल। ऑनलाइन जी असी जो स्टार्ट किया पिछले साल उदो असी पूरी क्लासेज लगा रहे थे, सवेरे 9:30 तो लैके 2 बजे तक, पेरेंट्स ने फिर सानू ये रोष प्रकट किया कि साढ़े बच्चे अखा खराब हो जाए, साढ़े बच्चे की पिट दुखन लग जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम हैगा, तुम बहुत ज़्यादा टाइम ला रहे हो, इन्ना तो कोई स्कूल नहीं लाता, इन्ना टाइम क्यों ला रहे हैं, टीचर्स की कंडीशन है उन्होंने कोई आइडिया नहीं, हूँ जी टीचर इन्ना पढ़ा रही वो कंडीशन ठीक है, राइट, बट असी पेरेंट्स को सैटिस्फाई करने लिए किया, फिर जो पेरेंट्स की प्रॉब्लम आनी शुरू होगी कि साढ़े बच्चे बीमार होने शुरू, साढ़े बच्चे इन्ना स्ट्रेन नहीं लै सकते, इन्नी देर नहीं बैठ सकते, असी उन्हें कट डाउन किया, अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स ही असी किया सारा कुछ जो भी किया है, बट हूँ वी आर कमिंग टू अ कंसेंसस, हूँ भी असी जिहड़ियां क्लासेस स्टार्ट होनिया ने ना 9:30 तो लैके 2 बजे तक ही होनी, उसदे विच अटेंडेंस लगनी है बच्चों के, टीचर्स ने रजिस्टर्स से अटेंडेंस लानी है, टीचर स्कूल होंगे या कितने भी होंगे, टीचर्स विल टेक द अटेंडेंस, क्योंकि पिछली बार ऑनलाइन अटेंडेंस लगती सी, बच्चे अटेंडेंस लाके गायब हो जाते थे, हूँ जे बच्चा वीडियो ऑन नहीं करता तो वो एबसेंट मार्क ही होगी, और बाद विच बच्चों की अटेंडेंस के बेस से ही जो बच्चा पढ़ाई नहीं करता या वो नंबर नहीं आते, ये पेरेंट जिम्मेवार होएगा, ये टीचर नहीं जिम्मेवार होगी, बिकॉज टीचर ने तो लैसन पढ़ा दिता है, थोड़ी बहुत हूँ पेरेंट्स भी देखना पड़ेगा कि बच्चा जो ऑनलाइन पढ़ रहा पढ़ भी लिया या नीचे वीडियो गेम ही खेल रहा है, ध्यान
ट्रांसपोर्ट के हम डीजल जो पिछले दो बारी वध्या आया तो ट्रांसपोर्ट की फीस भी वधेगी, बट ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट मैंडेटरी, ट्रांसपोर्ट कंपलसरी नहीं है। जिहड़ा पेरेंट यह सहूलत लैना चाहता है वह लवे, जिहड़ा पेरेंट अपने आप छड्डना चाहता है वह आप छड्ड दे, यह कोई कंपलसरी नहीं हैगी। ये तो जे किसी वारा खाता भी जी आ इन्नी ट्रांसपोर्ट फीस हैगी, साढ़े को टाइम है नहीं गा, असी इन पहला छड्डन आईए फिर असी लैन आईए, साढ़े चार चक्कर लग जाते या दो चक्कर लग जाते हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट लै लवे। जिहड़ा इन्नी नेड़े हो बंडाले हो या रुड़के हो आना वो तो आ सकता, थोड़ा बहुत तो पेरेंट्स जे पैसे बचाना चाहते हैं अपने बच्चे लिए थोड़ा बहुत तो औखा होना पैंदा, शहर में करते हैं लोग अपने अपने बच्चे नू 10-10 किलोमीटर 20-30 किलोमीटर तो। सारे लिए प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम एक बंदे ते कल्ले पेरेंट्स ते नहीं आई या कल्ले स्कूल ते नहीं आई, पूरी दुनिया ते आई है, कल्ले पंजाब ते या इंडिया ते नहीं आई, ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। बंदा ओही कामयाब है जिहड़ा प्रॉब्लम नू सॉल्व कर जाए और प्रॉब्लम विच अपने आप नू चेंज कर ले, मोल्ड कर ले, बिकॉज दिस इज़ नॉट नॉर्मल टाइम, सो वी कांट बिहेव नॉर्मली द वे वी वर बिहेविंग अर्लीयर, वी हैव टू हैव अर माइंड सैट, बिकॉज फ्रस्ट्रेशन बहुत वध रही है। सानू दिन थोड़ी बहुत मैडिटेशन करनी पेगी, लंबे साह लैने पैणगे जिहदे नाल साडा जिहड़ा सिर दा माहौल है ठीक रहे, सानू गुस्सा ना आवे और असी जिहड़ियां तब्दीलियां है उन्हां नू असी कोप कर सकीए, वी शुड बी एबल टू हैंडल दैम, इहदे लई थोड़ा जिहा यतन तो एक्सट्रा करना पेगा।